टू माई YouTube चैनल। टूडे आई हैव कम अप विद अ न्यू रेसिपी वीडियो। द रेसिपीज नेम इज़ हनीमून कोफ्ता। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये हमारी हनीमून कोफ्ता। इसके लिए हमें चाहिए 6 पीस, मैंने वाइट रसगुल्ला लिया है, 2 मीडियम साइज ओनियन पेस्ट, 2 मीडियम साइज टोमेटो पेस्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, सॉल्ट, गार्निश के लिए कोरिएंडर लीफ एंड कसूरी मेथी, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 2 स्पून काजू पेस्ट कैसोनेट पेस्ट एंड 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम बाउल में जो रसगुल्ला है उसमें नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे। एंड 2 मिनट्स रखने के बाद इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। ये प्रोसेस फ्रेंड्स हम 2-3 टाइम्स करेंगे जिससे कि हमारे रसगुल्ले के अंदर जो भी मिठास है वो निकल जाएगी। यहाँ पे मैंने पहले से कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे। थोड़ी देर बाद जब रिफाइंड ऑयल भी गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी, तो हम इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ओनियन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट तक इसे कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ओनियन का पेस्ट अच्छे से कुक हो गया, हल्का ब्राउन होने लगा। अब हम इसमें 1 by 1 मसाले ऐड करेंगे, सारे मसाले ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे और अब हम अपने मसाले को 5-10 मिनट्स तक अच्छे से कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो हमारे मसाले का कलर रेड हो गया है और ये अच्छे से भुन गया है, कुक हो गया है। जब ऑयल ऊपर आने लगे इट मीन्स कि हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। हम ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए वाटर ऐड करेंगे। ग्रेवी न ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और न ज़्यादा पतली होनी चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा और वाटर ऐड करूँगी।
अब हम इसे ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। एंड में मैं इसमें काजू पेस्ट ऐड करूंगी। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी ये ग्रेवी रेडी हो गई। अब हम इसमें स्क्वीज किया हुआ जो रसगुल्ला है हमारा उसे ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, बॉयल होने देंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये रसगुल्ला जो हमारा कोफ्ता है ये फूल के बिग साइज का हो गया। जैसे रसगुल्ला पहले रहता था स्क्वीज के बाद ये छोटा हो गया था, बट ग्रेवी में डालने के बाद ये फिर से बड़ा हो गया। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके कोफ्ते को बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स लुकिंग सो यम्मी, आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। ये पराठे पूरी किसी के साथ भी अच्छी लगती है। कभी भी हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम सिर्फ पनीर बनाते हैं और ये थोड़ी डिफरेंट डिशेज है, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।